नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं आरओ जयपुर की, जो कि सीकर जिला स्टेडियम में जो कि भर्ती चल रही है। इस भर्ती में जो बच्चे आज का जो रिव्यू है, आज जो जयपुर की जो तहसील है उनकी आज रनिंग थी। इनकी पहले रनिंग 2 तारीख को थी, परंतु बारिश के कारण इनकी जो रैली भर्ती थी वो पोस्टपोन करके आगे 8 तारीख कर दी थी, और 4 तारीख उन बच्चों की कल रनिंग होगी। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका एडमिट कार्ड है वो नया एडमिट कार्ड आया था। क्या ये बात सही है? एडमिट कार्ड नहीं आया था आपका? बिल्कुल एडमिट कार्ड है वो नया आया था। अब बात करें इनकी आज जो रैली भर्ती थी, आज रनिंग थी, सबसे पहले इनका बेच के बारे में पूछेंगे। आज आपका जो बेच है वो कौन सा था? 6 नंबर। आपका जीडी का बेच था? जीडी का। कितने बच्चों का बेच बना? 75 का लास्ट बेच बना था, जीडी का बेच था। कितने बच्चों को पास किया गया 75 आपकी? 24 बच्चों को। बात करेंगे आपका ट्रेड कौन सा था? मेरा ट्रेडमैन में आज का जो ट्रेडमैन का जो बेस बना वो कितने बच्चों का बेस बना था? 108 बच्चों का ट्रेडमैन का बेस बना था, जिसमें से कितने बच्चे पास किए गए? लगभग 42 बच्चे पास किए गए थे। और आपके जीडी के बेस में से 78 वाले में 24 बच्चे। आपका बेस कौन सा था? जीडी का। आपके बेस में कितने बच्चे पकड़े गए? 24 बच्चे, यानी कि आप दोनों एक ही बेच में से थे। और यानी कि आज की जो एंट्री के समय आपको सब बताया, जैसा एंट्री पहले थी वैसी ही हो रही, परंतु जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया था। और जिनकी आज रनिंग होगी, यानी कि जो आज 12:30 बजे रात को एंट्री करेंगे, तो उनका भी एक नया बेच बनेगा, तो उनको भी अलग अलग से हिसाब से रखा जाएगा। यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो नया ही आएगा आपका भी। तो आप सबके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि आप सब बच्चे नया एडमिट कार्ड ही लेकर आएँ, 4 तारीख वाला एडमिट कार्ड नहीं लेकर आए, क्योंकि इनका भी नया एडमिट कार्ड आया था, तो आपका भी नया एडमिट कार्ड आएगा। और एंट्री के समय जो डॉक्यूमेंट है मेन, उसमें एक आपका जो मूल निवास, 10वीं की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये 4 आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए। साथ ही में इसके अलावा आपके जो एक एफिडेविट है वो आपको लेके आना है। अगर एफिडेविट किसी के पास नहीं होता है तो उसके लिए समय दिया जाता है। क्या आज कोई एफिडेविट वाला सीन देखा गया था? मेरे पास नहीं था एफिडेविट। नहीं था तो वहाँ पे क्या क्या लास्ट बेच में दौड़ाया है? लास्ट बेच सेकंड लास्ट में मेरे को लिया था, थोड़ी देर बैठा के रखे, थोड़ी देर बैठा ही रखा जाता है। जैसे कि शुरुआत से भर्ती में चलता आ रहा है कि जो बच्चे अगर एफिडेविट लेकर नहीं आते हैं तो उनको लास्ट तक बैठाए रखते हैं, और लास्ट बेच में या सेकंड लास्ट बेच में आराम से निकाल देते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो उसमें भी आपको छूट दी जाती है, नहीं कि कई डॉक्यूमेंट में छूट नहीं जाती है। 14 तारीख तक आप जो भी दस्तावेज की कमी है तो वो आप जाकर जमा करवा सकते हो। बात करेंगे आज का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड सही था, ठीक है। रेतीला ग्राउंड है या फिर मतलब ज्यादा सूखा है, या फिर जैसा नमी वाला ग्राउंड है? नमी वाला था, थोड़ा जमी हुई मिट्टी थी, थोड़ी नमी वाला ग्राउंड था। तो जो नंगे पांव दौड़ना ज्यादा बेस्ट रहेगा या फिर जूतों से? बढ़िया, नंगे पांव भी दौड़ सकते हैं, जैसे जूतों से भी दौड़ रहे थे, नंगे पांव भी, दोनों तरीके से दौड़ सकते हैं। नंगे पांव में बेस्ट है दोनों के लिए अच्छा है। बात है बरसात की, तो बरसात अभी कोई है नहीं, और आज भी शायद लास्ट, जैसा कि माना जा रहा है आज भर्ती, वैसे देखा जाए तो आज लास्ट भर्ती होगी, क्योंकि भर्ती का आज लास्ट दिन होगा। और बाकी उसके बाद जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट की और WMP की भर्ती जो शेड्यूल में दिया गया है, हालांकि उनका भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया WMP का, वुमेंस मिलिट्री पुलिस का, तो उनका भी जल्द आ जाएगा। परंतु मेन बात आज की करेंगे, क्योंकि आज जो लास्ट भर्ती है जीडी की, जो कि जयपुर की तहसीलों की है, तो इनका एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, क्योंकि इनका भी एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो वो भी एंट्री करेंगे। और जो बच्चे अब बाहर निकलेंगे, जो एंट्री भी करेंगे, एक मेडिकल वाले जिनकी कल फिजिकल कंप्लीट हो गया था, तो उनसे भी एक बार रिव्यू लेंगे। तब तक के लिए आपसे इज्जत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।